अंदर आ जाओ। आपने मुझे बुलाया मिस्टर कैपलन? हाँ बिली, मैंने तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर गौर किया और मुझे गलती का पता चला है। मैं कुछ समझा नहीं, मेरे ग्रेड्स तो हमेशा अच्छे रहे। ओ नहीं 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 नहीं, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं बिली। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी तरफ से है। मतलब? वैसे हमारे रिकॉर्ड्स में कंप्यूटर एरर हुआ है। पता चला है कि तुमने एंजल ग्रोव के सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा टेस्ट दिए हैं और सभी में बढ़िया ग्रेड्स पाए हैं। तो इसमें कुछ बुराई है? बुराई? बिली, तुमने तो एंजल ग्रोव में कमाल करके दिखाया है। तुम ग्रेजुएट हो गए हो। पर मेरा अभी एक साल बाकी है। नहीं, पर अब नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अजीब बात है। तो जेंटलमैन, इस तरह से पुलिस एकेडमी पिकनिक के बाद फैलाए हुए कचरे को साफ किया जाता है। मैं एक घंटे में वापस आऊंगा, मुझे निराश मत करना। और इस तरह पुलिस एकेडमी पिकनिक के बाद फैलाए कचरे को साफ किया जाता है, मुझे निराश मत करना। अरे अरे, ये क्या कर रहा है आजकल? देख हम कचरा कैसे उठाते हैं। साथ में कर। जी सर, हम हाजिर हैं। हम पल भर में इस बात को चकाचक कर देंगे। तो चलो काम शुरू करो। हमें एक काम करके खुशी होगी सर, बस हमें कचरा उठाने वाली लकड़ी दे दीजिए और फिर देखिए। चल चल। अरे सब कहाँ चले गए? अरे मेरे लिए तो रुको। क्या मैं अभी से कचरा उठा सकूंगा? चुप रहो और इनके पीछे चलो। मैं वो साफ नहीं करने वाला। अगर इसके अंदर कोई छिपा होगा तो? अगर हमने उन्हें बचाया तो हम हीरोज हो जाएंगे। चल। बहुत अच्छे स्कल। बस बस बहुत हो गया। हेलो एलियन, तुम हमसे मत डरो। इसे बात कर स्कल। हाँ, ये काटते नहीं है ज्यादा। प्लीज, मैं हूँ ससुर एक्विटार और मुझे बिली नाम के इंसान से काम है। पूरी दुनिया की तकदीर उस पर निर्भर है। वो किसका एलियन स्पेसक्राफ्ट है? वो तो एक्विटार के घटिया जीवों का स्पेसक्राफ्ट लगता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी इजाजत के पृथ्वी पर उतरने की? शायद हम इससे अपना फायदा कर सकते हैं। इस वक्त वो पावर रेंजर्स कहाँ है? लगता है वो पार्टी में है डैडी। शायद आपको कोई प्लान मिल गया। थैंक्स। यकीन नहीं होता तुम सबने इतनी जल्दी ये सब कर। हाँ, वैसे रोज थोड़ी ना कोई ग्रेजुएट होता है। तुमने तो कमाल कर दिया बिली। तो तुमने खाली वक्त में क्या करने का सोचा है? अभी तक उस बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी हो गया ना। स्कल। हाय स्कल। स्कल। StarTunesIndia.tk। स्कल, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? बल्कि मैं इसे ले आया। हम सिर्फ इसी बिली को जानते हैं। बिल्कुल, ये वही बिली है। सेस्ट्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इक्विटार पर सभी तुम्हारी क्लमंदी से वाकिफ हैं। हमारा ग्रह बहुत बड़ी मुसीबत में है। बल्क स्कल, सुनो, तुम्हारी मदद के लिए थैंक्स, पर अब यहाँ से मैं संभालूंगा। यू आर वेलकम बिली। थैंक्स।
हैं। बल्कि तुम्हें लगता है कोई उस स्पेसशिप से छेड़खानी करेगा? हमारे रहते तो नहीं। नहीं, पहले कचरा साफ करो, फिर स्पेसशिप की रखवाली करो, मुझसे ये सब नहीं होता। हाँ मेरे प्यारे सुनहरे दोस्त, कम से कम हमारे पास घर तो है। मॉन्स्टर्स, ये जरूर किसी बड़ी सेना का हिस्सा होंगे। मेरे होते हुए वो इस ग्रह पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं करूंगा। तो ये गलत बात है, हमें सफाई रखनी चाहिए। मैंने कहा ना नहीं। रुको, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। बिली, हाइड्रोकंटामिनेटर्स नाम के डरावने जीवों की प्रजाति ने एक्विटार पर हमला कर दिया है। हजारों जीव हमारे ग्रह के पानी को जहरीला बना रहे हैं। उनकी वजह से हमारा मेन कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया है। हम अपने बैटल बॉक्स को पावर नहीं दे पा रहे, टेलीपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। इसी वजह से मुझे स्टारशिप से आना पड़ा। तुम्हें पता है ना, पावर रेंजर्स हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। हम ऐसा हथियार बनाने की कोशिश में लगे हैं जो हाइड्रो कंटेमिनेटर को खत्म कर देगा, पर हमारा प्रोटोटाइप पूरी तरह से तैयार नहीं है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, पर हमें जल्दी करना होगा। तुम्हारी गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी के बीच का इंटरगैलेक्टिक सफर काफी खतरनाक और मुश्किल होता है। हमारे पास 2 घंटे से भी कम वक्त है, उसके बाद स्पेस पोर्टल बंद हो जाएगा। आई आई आई, एक और मुसीबत आ गई है। देखो, एक स्पेस क्राफ्ट तालाब के पास लैंड हुआ है। आप इस क्रैक को भी मैं गंदा कर दूंगा। शुरू करता हूँ इस तालाब से। मैं समझ गया, ये है हाइड्रो कंटेमिनेटर। सही कहा, इसे जरूर मुझे रोकने के लिए भेजा गया है। इसे नहीं रोका तो ये हाइड्रो कंटेमिनेटर पृथ्वी के सारे पानी को दूषित कर देगा। अल्फा, रेंजर्स को कांटेक्ट करो। अभी लो बिली। वो प्रोटोटाइप अभी मेरे शिप में है। तो फिर उस हाइड्रो कंटेमिनेटर से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। लगता है वो चला गया। बाल बाल, अरे नहीं, कहाँ गए? मुझसे इतनी आसानी से नहीं बचोगे। रुको, वापस आओ, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना है। मुझे अफसोस है कि मैं एक्विटार से बस इतना ही सामान ला पाया। बिली, अब सब तुम पर है। यह है वो प्रोटोटाइप? हाँ, पर अभी इसे थोड़ा असेंबल करना बाकी है। तुम्हारा बेकार हथियार कभी वापस एक्विटार तक नहीं पहुँचेगा। क्या ये सच है कि इंसानों में ज्यादातर पानी होता है? चलो तुम्हें दोषित करके देख लेता हूँ। वहीं रुक जाओ हाइड्रो कंटेमिनेटर। ये सब कैसा शोर है? हर बड़ी मच्छी है और अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। वो जीव है कौन? बड़ा ही अजीब लग रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कॉग्स को नीचे भेजो, फोन घटिया रेंजर्स से उसकी हिफाजत करेंगे। तुम सब कौन हो? कॉग्स, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम सब तो अच्छे हो, अब तुम सब लड़ो, मैं अपना काम करता हूँ। वो कंटेमिनेटर फिर से तालाब पर पहुंचने की कोशिश में है। वो पृथ्वी के पानी को तबाह कर देगा और इसका जिम्मेदार मैं लूंगा। हमें इसे वापस पावर चेंबर ले जाकर ठीक करना होगा, वरना पावर रेंजर्स उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। अल्फा, क्या हमें वापस पावर चेंबर टेलीपोर्ट कर सकते हो? ये कॉक्स वाकई ताकतवर है। चलो, वो तालाब के बहुत करीब है, हमें उसे देखना होगा। चलो अब गंदा करें। ये कॉक्स मुझे जाने नहीं दे रहे। अब पृथ्वी का सारा पानी खराब किया जाए। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते।
तैयार है ना? चलो हो जाए। अरे अभी टहरने का वक्त नहीं है, या वो वाटरप्रूफ नहीं था है ना? बाकी सब चले गए, कॉक्स चले गए हैं, और बेहतर होगा कि तुम भी चले जाओ। हाँ मैं जरूर जाऊंगा, पर जरा पहले यहाँ के पानी को गंदा कर दो, और मुझे पता है ये कहाँ से हो पाएगा। वो चला गया। इससे पहले कि वो कुछ करे हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ गया। हाँ। चलो दोस्तों हम पावर चेंबर चलते हैं इसी वक्त। बदमाश कलोवच मेरे सामने आओ। जी सर। जी सर। जेंटलमैन हम पर एलियंस ने हमला किया है। अच्छा वो दिखने में कैसे हैं? एक तो सुनहरा कवच पहना हुआ बंदर है और दूसरा हड्डियों का ढांचा है। जेंटलमैन हम तीनों को मिलकर ही उन्हें रोकना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? सर। जी सर। फिक्र मत कीजिए सर, हम उन एलियंस का पता लगा कर ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट उन एलियंस को ढूंढने के लिए। शहर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरुआत के लिए अच्छी जगह है। सेस्टर को मुझे रोकने के लिए अपना काम छोड़ना पड़ेगा। अब कहाँ है पानी? इतना गुस्सा आ रहा है मैं बता नहीं सकता वो कहाँ है। पानी को यहीं कहीं होना चाहिए। अरे सुनो, तुम पानी ढूंढ रहे हो ना? तुम बस पावर रेंजर्स को ठिकाने लगा दो और मैं तुम्हें जितना चाहे पानी पिला दूंगा। मैं तुम्हारी दुनिया पर इतनी मुसीबतें लाने के लिए माफी चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सेस्ट्रो। हमें तो बस उस मॉन्स्टर को ढूंढकर उसे रोकना है। हाँ पर ऐसा तभी हो पाएगा अगर हम इस हथियार को ठीक कर पाए। हाँ और हमें ये भी देखना होगा कि पोर्टल बंद होने से पहले हम सेस्ट्रो को यहाँ से रवाना करें। अल्फा क्या उस हाइड्रो कंटेमिनेटर का पता चला? हाँ, वो मॉन्स्टर एंजल ग्रोव के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर है। मुझे जाना होगा। नहीं सेस्ट्रो, बिली को तुम्हारी मदद लगेगी, हम ये मामला संभालते हैं। चलो चले दोस्तों। ज़ियो रेंजर्स। ज़ियो पावर वेपन अभी। Time chasing the adult TK. मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब मुझे गायब हो जाना चाहिए। वो दिख नहीं रहा। मैंने वाकई इतने कमाल का मॉन्स्टर कई दिनों के बाद देखा है। हमारे हारने का कोई चांस नहीं है। जो दिखता नहीं हम उससे कैसे लड़ें? शायद इसके बाद डैडी मुझे अपनी राजगद्दी दे देंगे। मैं तुम्हारे हथियार के पावर सोर्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि वो पावर रेंजर्स के हथियारों के साथ काम कर सके। अगर इसने काम किया तो हमें एक जियो ब्लास्टर मिल जाएगा। कमाल है। एक्विटार पर चलाने के लिए इसमें थोड़े और मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, पर यहाँ पर काम करेगा शायद। पर मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले वो मॉडिफिकेशंस कर पाऊंगा। जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ चलने का फैसला किया है। बिली हम सपने में भी तुमसे ऐसा बलिदान नहीं मांग सकते। देखो तुमने और बाकी एक्विशंस ने भी हमारे लिए यही किया था सिस्ट्रो, तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? दोनों दुनिया के रेंजर्स बहुत लकी हैं कि तुम उनके साथ हो। थैंक्स। यू आर वेलकम। ओह नो। क्या हुआ? मेरे कॉन्टेक्ट लेंसेस वो गिर गए। मैं मदद करता हूँ बिली, फिक्र मत करो मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। आल्सो ओह नो। बिली माफ करना, मुझसे गलती हो गई। बिली तुम ठीक हो? आई 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 बिली मुझे देख सकते हो? अब हम जियो ब्लास्टर को कैसे पूरा कर पाएंगे? हे
अरे यार, काश कि जियो ब्लास्टर जल्दी तैयार हो जाए। अब तुम गए। अच्छा हुआ मैंने अपना चश्मा यहीं रखा था। ये तैयार है बिली। वो भी सही वक्त पर, रेंजर्स बहुत खुश होंगे। अल्फा, इसे टेलीपोर्टेशन केस में रख दिया है, अब तुम इसे वहाँ भेज दो। मैं जियो ब्लास्टर को रेंजर्स के पास भेज रहा हूँ। आई होप बात बन जाए। बिली, स्पेस पोर्टल बंद हो रहा है, हमें जल्दी जाना होगा। सिस्टर सही है बिली, तुम अपने दोस्तों के लिए जो कर सकते थे वो कर चुके हो। शायद आप सही है जोर्डन, बस उनसे दूर जाना अजीब लग रहा है। उम्मीद है ये जियो ब्लास्टर काम करेगा। बात बन गई। उम्मीद है सेस्ट्रो एक्विटार पर भी इसे चला आएगा। क्या, छोड़ो, चलो यहाँ से चलें। यकीन नहीं होता मैंने उस एलियन पर भरोसा किया। कोई बात नहीं मेरे प्यारे शहंशाह, अगली बार अपनी मशीन्स का इस्तेमाल करना। हाँ, अगली बार हमारी जीत जरूर होगी मेरी प्यारी क्वीन मशीना। फिर हम कुचल देंगे उन पावर रेंजर्स को हमेशा के लिए। तुम्हें यकीन है तुम ये करना चाहते हो बिली? मैं बचपन से ही ऐसे ही किसी मौके के इंतजार में था। मैं इसे गवाऊंगा नहीं, वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने इजाजत दे दी है। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है सिस्टर, मैं तैयार हूँ। अल्फा, तुम्हें यकीन है ये वही जगह है? हाँ टॉमी, पक्का यकीन है। हे, जरा यहां देखो। दोस्तों, लगता है हमने देर कर दी। तुम्हें मिस करेंगे दोस्त। गुड लक बिली।